नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इंडियन एयर फोर्स की वैकेंसीज के लिए है। आप बता दीजिए कि जो इंडियन एयर फोर्स है उसने वैकेंसीज निकाली है, उसमें जो लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन की वो इसमें दे रखी है 30 जून तक इसकी लास्ट डेट है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। और जो 1 जून है इसकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी 1 तारीख से। तो इसकी बात की जाए कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं और मेंस के लिए कितनी है, वुमेंस के लिए कितनी है, इसके लिए हम बता दें आपको। जो इसमें नॉन टेक्निकल ब्रांचेज, टेक्निकल ब्रांचेज, फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी, शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई हैं, जिसमें एफ कैट एंट्री के जरूर जरिए आएंगी वो होंगी फ्लाइंग की, फ्लाइंग ब्रांच में मैन के लिए 5 होंगी, वुमेन के लिए इसमें 6 वैकेंसीज हैं। जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है उसके लिए आपको इसमें AEL में 98 वैकेंसीज मिल जाएंगी, मेंस के लिए AEM में इसमें 38 वैकेंसीज मिल जाएंगी। और विमेंस के लिए देखा जाए तो इसमें AE में, L में 11 वैकेंसीज है और AEM में 4 वैकेंसीज है। ग्राउंड ड्यूटी में बात की जाए नॉन टेक्निकल ये, तो इसमें वेपन सिस्टम में ब्रांच में आपको 15 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, एडमिन में 45 देखने को मिलेंगी, LGS में 17 वैकेंसीज हैं, ACCTS में 8 वैकेंसीज हैं, EDN में 7 वैकेंसीज हैं, MT/MET में 7 वैकेंसीज हैं। और जो वीमेंस के लिए बात की जाए तो वीपन सिस्टम में आपके लिए 2 वैकेंसीज हैं, एडमिन में 5 है, LGS में 2 हैं, ACCTS में 2 हैं, EDN में 2 हैं, MET में 2 हैं। जो NCC के जरिए आपको एंट्री मिलेगी उसमें फ्लाइंग के लिए इसमें 10% सीट, सो CDSE वैकेंसीज के लिए रिजर्व रहेंगी, 10% CTC एफकैट वैकेंसी के लिए सीट रिजर्व रहेंगी इसमें जो NCC के होते हैं उनके लिए। अब बात की जाए इसमें डिस्क्लेमर दे रखा है, द वैकेंसीज इंडिकेटेड आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस, एक्चुअल इनटेक वुड डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, वेरियस कैडरे कंट्रोल मैकेनिज्म, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स एंड एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसीज अक्यूरिंग इन जुलाई 2024, नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन वंस इट इज रिजल्ट फ्रॉम ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक वैकेंसीज फॉर लो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अब इसमें टाइप ऑफ कमीशन की बात की जाए तो इसमें दे रखा है एज की बात करते हैं, इसमें जो फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए 20 से 26 की उम्र होनी चाहिए आपकी, और जो ग्राउंड ड्यूटी है उसके लिए 20 से 26 की एज होनी चाहिए आपकी। नोटिफिकेशन के लिए आपको ये वेबसाइट दे रखी है नोटिफिकेशन में, और जो न, इसमें जो फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो सब नोटिफिकेशन पे दे रखा है वेबसाइट में, जो ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन आएगा उसमें। ट्रेनिंग की बात की जाए तो जो ट्रेनिंग विल कमेंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2024, एंड जुलाई 2024 के फर्स्ट वीक में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी एयरफोर्स के लिए जो कि हैदराबाद में होगी। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेज इज 34 वीक्स, यानी 74 वीक की आपके इसमें ट्रेनिंग रहेगी, एंड दैट इज दैट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी, यानी आपकी इसमें लगभग 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी इसमें। और जो फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए इसमें जो पे स्केल रहेगा ही IAF ऑफिसर्स के लिए है, तो 56,100 रुपये से स्टार्ट होगा बेसिक पे। इसके बाद में बात की जाए इसके इसमें MSP 15,500 होगा और लेवल 10 की सैलरी होगी इसमें। अब इसमें बात की जाए इसके जो अलाउंसेज हैं वो इसमें दे रखा है, इंक्लूड्स फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट टेक्निकल फील्ड एरिया, इसमें अलाउंसेज दिया जाएगा आपको इसमें। और जो प्रिविलेजेज है इसमें इसमें दे रखा है, एयरपोर्ट ऑफिसर आर एंटाइटल टू फर्निश्ड अकोमोडेशन, कंप्रेहेंसिव मेडिकल कवर फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, कैंटीन ऑफिसर्स मेस, लोन्स ऑफ एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, LTC ETC लीव 60 डेज एनुअल एंड 20 डेज कैजुअल, यानी आपको 80 दिन की छुट्टी मिलेगी इसमें। और इसमें आपके जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है उसके लिए आपको इसमें अकोमोडेशन मिलेगी, रहने के लिए जगह मिलेगी, और मेडिकल से भी लेगा इसके लिए आपकी फैमिली के लिए। इंश्योरेंस की बात की जाए इसमें 1.1 करोड़ का इसमें इंश्योरेंस कवर होगा, और जो एडिशनल कवर होगा वो 15 लाख का होगा, एलिजिबल टू फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो एडवेंचर के इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी टू प्ले वेरियस स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज, स्काई डाइविंग, माइक्रो लाइट फ्लाइंग, माउंटेनियरिंग, वाटर राफ्टिंग एक्सेट्रा। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें रखा कि कैडेट्स कार टू रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू सेपरेट टैब्स अवेलेबल फॉर एफकेट एंट्री, एसएससी स्पेशल एंट्री, कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर वन और मोर एंट्रीज आर टू रजिस्टर सेपरेटली टू इन ईच एंट्री। अब टैटूज की बात करें तो इसमें टैटूज अलाउ नहीं होते, बट
पर जिनके जो केस टू केस डिपेंड करते हैं, जिनके कस्टम ट्रेडिशन में होता है उनके लिए ये अलग डिपेंड करता है। नारकोटिक्स की बात करें तो इसमें आपको नारकोटिक्स बैंड है, इसमें पोजिशन नारकोटिक्स बैंड है। कैंडिडेट मे बी टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी ड्यूरिंग मेडिकल सेट सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग की जाएगी। अगर उसके बॉडी में ड्रग्स पाया जाता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। मार्शियल स्टेटस की बात करें तो इसमें मार्शियल स्टेटस ये होगा जो कि आपको अनमेरिड होना चाहिए। तो ट्रेनिंग पीरियड, अगर ट्रेनिंग पीरियड में आप शादी कर लेते हैं तो आपको उसी टाइम आपको निकाल दिया जाएगा। जो ट्रेवलिंग अलाउंसेज है वो आपको मिलेंगे इसमें। नो टर्म ट्रेवलिंग अलाउंसेज इज एडमिसेबल इफ़ यू ऑलरेडी अपेयर फॉर द सेम टाइप ऑफ एंट्री एट एनी ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड्स। ये इसके लिए कंडीशन दे रखी है, फिजिकल कंडीशन दे रखी है इसमें। और कोई आपको कुछ क्वेरी हो आपकी तो इसमें मोबाइल नंबर दे रखे हैं इसमें, आप इस पर जाके अपना क्वेरी चेक कर सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं आप अपनी। तो ये एफकेट की इस वैकेंसी के बारे में था। इसमें आपको टोटल आपको इसमें 56,100 इसका बेसिक पे होगा, 71,500 तक इसका पे होगा, फीस होगी, तनख्वाह होगी। इसमें आप अप्लाई कीजिए और अपना इसमें सिलेक्शन लीजिए, इसमें काफ़ी पोस्ट है इसमें। और अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।